तो आइए आज के इस वीडियो में आप सभी को पोषण ट्रैकर ऐप में लाभार्थियों का ईकेवाईसी कैसे करना है इसके बारे में पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं। जैसे कि 21.2 के अपडेट के बाद एक ऑप्शन को ऐड किया गया है, बेनिफिशरीज ईकेवाईसी, यानी कि पोषण ट्रैकर ऐप में आप जितने भी बेनिफिशरीज का रजिस्ट्रेशन किए हैं उन सभी का ईकेवाईसी करना अनिवार्य हो गया है। तो चलिए जानते हैं किस प्रकार से जो ईकेवाईसी है वो करना है। जैसे कि अभी आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने एक गर्भवती महिला का जो प्रोफाइल है वो ओपन किया है। यहाँ पे आप नाम वाइज भी जाके देखेंगे तो जिस भी लाभार्थी के नाम के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे ईकेवाईसी का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे वो 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे हों या गर्भवती महिला हो या धात्री महिला हो, उन सभी का ईकेवाईसी करने का ऑप्शन दे दिया गया है। यहाँ पर आप होम पेज पर आएंगे तो एक लिस्ट बनी हुई है जिसमें कि सभी बेनिफिशरीज का जो नाम है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे लाभार्थी ईकेवाईसी, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जितने भी बेनिफिशरीज का रजिस्ट्रेशन पोषण ट्रैकर ऐप में किया गया है उन सभी का नाम यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे। अब आप लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि जो बच्चे हैं उनका ईकेवाईसी कैसे किया जाएगा। जैसे कि रजिस्ट्रेशन के टाइम जो है उनके माता या पिता का आधार के साथ उनका रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो उनका ईकेवाईसी कैसे करना है, चलिए हम उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर आप लोग बच्चे का ईकेवाईसी करने जा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पे कंप्लीट ईकेवाईसी पे क्लिक करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं ये बच्चे का जो इमेज है वो दिखाया जा रहा है, ठीक है। ये बच्चे का नाम है और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि बच्चे के माता के नाम से जो है इनका रजिस्ट्रेशन किया गया है, ठीक है। तो अब इनका ईकेवाईसी कैसे करना है इसको पहले समझ लीजिए। यहाँ पे कंप्लीट ईकेवाईसी पे क्लिक करेंगे ना, पॉपअप खुलेगा जिसमें कि लिखा गया है यूज द सेम आधार नंबर एज ऑन बेनिफिशरीज प्रोफाइल टू कंप्लीट द ईकेवाईसी प्रोसेस, यानी कि आपने जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया है और उस बच्चे के माता या पिता के नाम से आपने उस बच्चे का आधार वेरीफाई किया है तो आप उन्हीं के नाम से जो है इनका ईकेवाईसी कर सकते हैं, यानी बच्चे का ईकेवाईसी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों का ईकेवाईसी होगा कि उनके माता या पिता जो भी है उनके आधार कार्ड से ईकेवाईसी हो जाएगा, और जो बेनिफिशरीज हैं जैसे कि गर्भवती और धात्री माता उनका तो आधार लगा ही है तो उनका भी आप लोग ईकेवाईसी आसानी से कर सकते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पे जो लाभार्थी का हम लोग ईकेवाईसी करेंगे उनके आधार में जो है कि उनका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए तभी आप लोग यहाँ पे ईकेवाईसी कर पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पे एक बच्चे का ईकेवाईसी करके आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे ईकेवाईसी पे क्लिक करेंगे, ईकेवाईसी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन पूछेगा, आपको कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरी पहचान का एक पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे जो माता या पिता के नाम से उस बच्चे का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसी का यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा कोड दिया गया है उसको यहाँ पे डालेंगे और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे कि अगर बच्चे का आप लोग यहाँ पे ईकेवाईसी कर रहे हैं, अगर बच्चे का आधार कार्ड बना हुआ है तो यहाँ पे माता और पिता का नहीं बल्कि बच्चे का भी आधार कार्ड डाल के यहाँ पे ईकेवाईसी कर सकते हैं, बट उसके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो उस आधार में जो नंबर लिंक होगा उस नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया भी जाएगा कि उस आधार के साथ कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो यहाँ पे वो देख सकते हैं लास्ट का 4 डिजिट आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा, तो उसी नंबर पे जो है OTP भेजा गया होगा, ठीक है। तो उस OTP को आपको यहाँ पे क्या करना है, फिल कर लेनी है। डालने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो एक और पेज खुल के आएगा जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि मेरी पहचान का जो ऑफिशियल पेज है वहाँ पे अलाउ और डेनी का ऑप्शन देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए हम वेट कर लेते हैं। तो जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करके आएंगे तो डिजी लॉकर का एक पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से जो डिजी लॉकर है वहाँ पे आधार आप शेयर कर रही है। हालांकि आप लोगों को यहाँ पे कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आप लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे डेनी और अलाउ का 2 ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका सक्सेसफुली ईकेवाईसी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हैं। और स्टेटस भी आपका जो दिखाएगा यहाँ पे, द स्टेटस विल बी अपडेट ऑन बेनिफिशरीज प्रोफाइल विद इन 24 आवर्स, यानी कि 24 घंटे के बाद इनका जो स्टेटस है वो अपडेट कर दिया जाएगा पोषण ट्रैकर ऐप पे, ठीक है। अब यहाँ से वापस ऐप पे क्लिक करेंगे तो फिर आप उसी पेज पे आ जाएंगे जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। यहाँ पे आकृति कुमारी शर्मा के नाम से हमने यहाँ पे ईकेवाईसी किया था तो इनका नाम यहाँ से हट गया है। इसी प्रकार से जितने भी बेनिफिशरीज हैं उनका आप लोग ईकेवाईसी कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे जिसका ईकेवाईसी किए हैं उसका नाम यहाँ पे ओपन करके दिखा देते हैं और आपको दिखाते हैं इसका स्टेटस अभी क्या दिखा रहा है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं आकृति कुमारी शर्मा के नाम से हमने यहाँ पे ई केवाईसी किया था। यहाँ पे हम इसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आने के बाद देख सकते हैं इस बेनिफिशरीज का, इस बच्चे का जो है यहाँ पे ई केवाईसी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे इसका डेट भी देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से जो है कि आप लाभार्थियों का ई केवाईसी आसानी से कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों को इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वो वीडियो कैसा लगा आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को अन्य आंगनबाड़ी बहनों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का हमारे साथ इस चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।